बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वाजिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहम्मद IET। दोस्तों, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ले गया हूं बहुत ज़बरदस्त किस्म का अनबॉक्सिंग। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले पहले दोस्तों आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट की जाती है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और यही वीडियो तमाम अच्छे दोस्तों में सेंड करें ताकि वो भी इस कुकिंग ऑयल के फायदे उठाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि सबसे पहले हम उसकी क्वालिटी फिनिशिंग को देखेंगे कि ये चीज ओरिजिनल है, क्वालिटी अच्छी है, फिनिशिंग है या नहीं। तो आइए चेक करते हैं। तो इस टाइप का पैकिंग है, देखिएगा हर एक साइड के साथ, मेरे साथ साथ देखिएगा, इस साइड से भी देखिएगा, इस साइड से भी देखिएगा। यार, जो सीलिंग करते हैं ना कंपनी वाले, बहुत जबरदस्त करते हैं, बहुत प्यारी सीलिंग की गई है। ये सीलिंग मुझे काफी पॉजिटिव पॉइंट लगी और इसके अलावा भी मुझे तो कोई नेगेटिव नजर नहीं आ रही, सारे के सारे जो पॉइंट है ना प्लस में जा रहे हैं। आइए चेक करते हैं कि कंपनी ने इसके ऊपर क्या मेंशन किया है। वैसे कंपनी ने मेरे साथ जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन शेयर किया है ना, वो ये बात बताई गई है कि नेचुरली कोलेस्ट्रॉल फ्री है ये ऑयल। अब ये बात सच है या सच नहीं है, और कंपनी का कहना था कि ये चीजें हम यहाँ पर मेंशन भी करते हैं। वाओ, देखिए यहाँ दिल बना हुआ है और इसके ऊपर लिखा है नेचुरली कोलेस्ट्रॉल फ्री। तो ये जो ऑयल है नेचुरली तौर पर कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल है, बहुत प्यारी बात है। अच्छा, दूसरी बात जो कमी मेरे साथ शेयर की है वो है ट्रांसफैट 0 ग्राम। अब ये बात सच है या नहीं, कॉल मिलाते हैं। जी भाई, तो ये ट्रांसफैट फ्री है या नहीं है, 0 ग्राम है इसमें। अच्छा भाई, कॉल करने से काम नहीं होगा, आप लोगों ने खुद टेस्ट करना है। वाकई ये बहुत प्यारी बात बताई गई है कि ये ट्रांसफैट 0 ग्राम है, और ये बात यहाँ पर देखिए रेड और वाइट टाइप का मेंशन भी किया गया है, बहुत प्यारी बात है। और सबसे टॉप पर लिखा है इवा कुकिंग ऑयल, और यहाँ पर लिखा है 100% नेचुरल। तो इवा कुकिंग ऑयल है, बहुत बेहतरीन है। बहुत सारे दोस्त जानते हैं कि पाकिस्तान में जो इवा कंपनी है और इवा कुकिंग ऑयल या वनस्पति या इसके अलावा बहुत सारे टाइप के ऑयल बनाते हैं, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं ये कंपनी। ये जो पैकिंग है 1 लीटर में आता है, बहुत प्यारी बात। ताजा ताजा लेंगे ना, अच्छा अच्छा जायका है, खराब भी नहीं होगा। और एक और बात, स्टोर भी नहीं होगा। मतलब ये कि आप 10 किलो 5 किलो 15 किलो 20 किलो उठाते हैं ना, तो मार्केट में क्या होता है, प्राइस बढ़ जाता है। अब तो प्राइस नहीं बढ़ेगा ना, आप अपने जो जरूरियात है उसी के मुताबिक उठा रहे, बहुत प्यारी बात है। दोस्तों, इसके अलावा कंपनी का मजीद ये भी कहना था कि ये जो ऑयल हम हासिल करते हैं ये इम्पोर्टेड सीड होते हैं, बाहर मुल्क से सीड मंगवाए जाते हैं तब उससे ये ऑयल एवा कुकिंग ऑयल निकाले जाते हैं। तो कंपनी वालों ने मेरे साथ ये बात भी शेयर की थी कि ओमेगा 3, और यहाँ पर ये देखे अवेलेबल है, टिक लगाया गया है, और साथ साथ में ये भी बताया था कि UHT ट्रीटेड है। ये एक टेक्निक है जो इसके जरिए इसको साफ किया जाता है, देखिए इसको महफूज किया जाता है, और ये चीज़ यहाँ पर मेंशन भी है। तो बहरहाल आप लोग फूल और सीड यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन किस्म के ऑयल है। मैं और मेरे साथ जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में दोस्त है वो इसको वैसे भी रिकमेंड करते हैं, और मेरी जहाँ तक तहकीक है पाकिस्तान में एवा कुकिंग ऑयल बहुत बेहतरीन है, आप इस्तेमाल करें और अपने सेहत को झूठे मक्कार और गलत लोगों से महफूज बनाए। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, कंपनी ने मेरे साथ ये बात शेयर भी की थी और यहाँ पर मैंने खूब चेक किया है, यहाँ पर मेंशन भी है, बैक साइड के ऊपर ये बात मेंशन भी है कि इसके अंदर 70% कनोला ऑयल शामिल होते हैं, 30% जो इसके अंदर ऑयल शामिल है वो सोयाबीन ऑयल शामिल होते हैं, और इसके अलावा विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई भी इसके अंदर शामिल है, और सब दोस्त इससे बाहबर होने चाहिए। अच्छा, एक और बात, यूरोप अमेरिका में जैसे आप जाएंगे ना, कोई भी प्रोडक्ट वो लोग उठाते हैं तो उसके ऊपर वो लोग सर्टिफिकेशन चेक करते हैं कि आया ये ISO से सर्टिफाइड है। मुल्की इदारों के जो सर्टिफिकेशन वाले इदारे होते हैं क्वालिटी के लिहाज से, जितने भी उन लोगों ने पैरामीटर्स रखे हैं, आया उनके लिहाज से वो चीज़ मयारी है या नहीं। देखिए, पाकिस्तान में भी इस तरह का PS पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटियाँ चेक की जाती है, तो इसको ये हासिल हो चुका है। मतलब ये है कि हमारा जो पाकिस्तानियों का मयार है, लोग देख के मयारे बनाते हैं, तो पाकिस्तानियों का मयार है। कहने का मकसद यह है कि जो सेहत का मयार है उस पर ये पूरे उतरते हैं, यही वजह है कि PS का सर्टिफिकेशन इसको हासिल हो चुका है। साथ साथ में स्विट्जरलैंड का जो इदारा है ISO,
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, उस इदारे ने भी इसको सर्टिफाइड किया है, ISO सर्टिफिकेशन यहाँ पर मौजूद है। और साथ साथ में दुनिया में जितने भी मुसलमान रहते हैं या गैर मुस्लिम रहते हैं, स्पेशली तौर पर मुस्लिम, तो इनको इस जराए से हासिल किया गया है जो कि मुसलमानों के लिए ये हलाल है। तो लिहाजा अगर पाकिस्तान में कोई कंपनी अच्छा काम कर रही है तो बिला किसी जजक हमें उसको सपोर्ट करना होगा, क्योंकि अगर अच्छे लोगों को हम सपोर्ट करेंगे तो याद रखिएगा कंपनी क्या करेगी, मजीद अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोडक्ट तैयार करेगी और वो लोकल प्रोडक्ट में आएगी, और साथ में उसकी जो प्राइस है, क्वालिटी है, बहुत ज़बरदस्त होगी। और इसके अलावा अगर ये चीज़ें हम बाहर से मंगवाएंगे, यूरोप, अमेरिका, जो भी कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया से लेकर कैनेडा तक, हम जिस कंट्री से भी चीज़ें मंगवाएंगे, याद रखिएगा तरह तरह के टैक्स लगते हैं। तो फिर क्यों ना कि हम अपने मुल्क के प्रोडक्शन बढ़ाए, ताकि जो चीज़ें बढ़ रही है ना प्राइसें, तो उनकी कीमतें इस्तेहकाम में रहे, कीमतें आगे ना बढ़े, तब आपके पहुंच में भी आएगा, मालदार के पहुंच में भी आएगा और गरीब के पहुंच में भी आएगा, तब जो मुआशरा होगा इससे बैलेंस हो जाएगा। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग इसको एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें, फिर देखें कि आपके सेहत के ऊपर इसके कितने असरात नेगेटिव आए और कितने पॉजिटिव आए। अगर आपने देखा कि पॉजिटिविटी ज़्यादा है तो फिर इस्तेमाल करें, अगर आपने देखा कि नेगेटिविटी ज़्यादा है तर्क करें, फेंक दे भाई, क्योंकि सेहत के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया में कानून है कि अल्लाह तबारक व ताला एक बार इंसान को ज़िंदगी यहाँ पर देता है, वैसे वो अगर चाहे तो कई हज़ारों करोड़ बार भी आपको ज़िंदा कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि आप इसको इस्तेमाल करें। अब अगर आऊँ प्राइस के ऊपर, क्योंकि कई दोस्त पूछते हैं कि भाई आपने प्राइस नहीं बताया, देखिए इसकी प्रमोशन चल रही है इम्तियाज़ सुपरमार्केट में, वैसे जो इसकी प्राइस है 671 रुपये, समझ ले 670 रुपये, लेकिन अगर आप इम्तियाज़ सुपरमार्केट से उठाएंगे, परचेस करेंगे वहाँ से, तो आपको तकरीबन 600 या 580 रुपये में इजीली मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर प्रमोशन प्राइसेस चल रहे हैं। तो ताज़ा उठाइएगा, अपने सेहत को बरकरार रखिएगा। और दोस्तों आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट की जाती है कि आप लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, सो आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जो आप लोग रिकमेंड करेंगे वही प्रोडक्ट इंशाल्लाह लेके आऊँगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।